नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज। उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने बलिया पुलिस के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया। दरअसल शिवरामपुर घाट पर नवनिर्मित जनेश्वर मित्रा सेतु पर शिकायत के बाद सेतु पर अवैध तरीके से पुलिस कर्मी वाहन से अवैध वसूली कर ट्रकों को एक छोर से दूसरे छोर पर भेज रहे थे। देर रात निमंत्रण छोड़ पहुंचे मंत्री ने रंगे हाथ एक कांस्टेबल को पकड़ लिया, जबकि वहां मौजूद दो अन्य पुलिसकर्मी भाग खड़े हुए। इस कार्रवाई के बाद दो कांस्टेबल को निलंबित कर दिया गया, जबकि दुबहर थाना के सब इंस्पेक्टर और प्रभारी निरीक्षक की भूमिका की जांच के आदेश दिए गए हैं। यूं तो यूपी पुलिस की कारगुजारी हर कोई जानता है, इस बात बलिया पुलिस की कारगुजारियों को खुद यूपी सरकार के एक मंत्री ने अपनी आंखों से देखा कि किस तरह यूपी पुलिस रात के अंधेरे में अवैध वसूली करती है और थाने खाली पड़े रहते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला गंगा नदी पर बने शिवरामपुर घाट पर नवनिर्मित जनेश्वर मिश्रा सेतु पर देर रात पहुंचे। इस दौरान मंत्री को देखते ही वहां मौजूद पुलिस कर्मियों के होश उड़ गए। कई पुलिस कर्मी अपनी बाइक छोड़कर ही भाग निकले। एक सिपाही को मंत्री ने खुद दौड़ाकर पकड़ लिया। दरअसल गंगा नदी पर बने जनेश्वर मिश्रा सेतु का निर्माण हो चुका है, इसका उद्घाटन नहीं हुआ। बावजूद इसके इस इलाके के आसपास के कई थानों की पुलिस अवैध तरीके से खाली ट्रकों से हजार रुपए वसूल कर यूपी से बिहार और बिहार से यूपी भेजने का काम कर रही थी। कई दिनों से मिल रही शिकायत के बाद राज्यमंत्री ने देर रात जब छापा मारा तो वहां मौजूद अवैध वसूली कर रहे पुलिसकर्मियों में हड़कंप मच गया। दरअसल करोड़ों की लागत से बने जनेश्वर मिश्रा पुल यूपी और बिहार को जोड़ता है, ऐसे में अवैध तरीके से वहां पर महावीर घाट के पास ट्रकों का जमावड़ा लग जाता है, जिसके बाद यूपी के मंत्री ने ये बड़ी कार्रवाई की है। आप देख रहे हैं बलिया से मोमशाद अहमद की रिपोर्ट। यहाँ पर हमको जानकारी मिली थी 20-25 दिन से खेल चला रात रात भर, ये सब पूरा थाना यही दौड़ रहा है, लाखों की वसूली। ये ट्रकों का आप देखेंगे, अभी आप चलिए नगवा थाने ढाले पर, बुलापुर ढाले पर 50-50 गाड़ियां आए होंगे तो रास्ते में। हम लोग जब यहाँ पर आए 4-5 मोटरसाइकिलों से 10-12 खड़े थे, सारे मुंह बांधे हुए थे। दो मोटरसाइकिल लेके भाग गए, तीन मोटरसाइकिलें गिरी हुई, एक कांस्टेबल कोई पकड़ा गया है, अंदर है दुमर थाने का सिपाही है। थाने पर एक आदमी नहीं है। सरकार इतनी बड़ी बदनामी, वहां पर बिचला घाट से गाड़ियां चल रही है, उधर पर कोई टाइगर नाम का दीवान है 500 रुपया उधर वसूली कर रहा है। ये एकदम आज पूरा दुमर थाना एकदम बर्खास्त, केसों को अभी तुरंत यहां बर्खास्त होना चाहिए। किसी कीमत पर ये सब चीजें बर्दाश्त होने लायक नहीं है। मुख्यमंत्री जी कितनी बदनामी, कितनी तपस्या से वो काम कर रहे हैं और हम लोगों को आज तक क्षेत्र में कोई ऐसी चीज हम लोग होने नहीं देते। एकदम ये बर्दाश्त के बाहर चीज हो गई। तीनों मोटरसाइकिलों को पहले इसको नोट करिए नंबर, रही पड़े जी। हाँ। और इन सबों का कहाँ है कोतवाल साहब, इनकी डिग्गियों को चेक करिए क्या क्या इसमें है। एक किसी का उधर हेलमेट भी गिरा हुआ बोतल, इसमें इन सबों का ये इनसे पहले पूछिए कि कांस्टेबलों की ड्यूटी कहाँ पर लगी हुई है, कोई यहाँ पर नहीं है। नंबर नोट करो, सबका नंबर नोट कर देखिए, सब क्या क्या लेके चले हैं। देखिए टोपी है, टोपी है, सब 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 डिग्री चेक करिए। और एक पकड़ा गया है, ये देखिए ठीक है भैया, हो गया, देखा है, चलो भी है, चलो इसको रखो। एक मिनट विपिन सर, सर इनको आप अपने थाने पे चलो, अपने कोतवाली पे। ठीक है सर, चाबियां हैं क्या? हाँ है, हाँ, दीजिए भैया। ये ट्रक ड्राइवर कहाँ है? ट्रक ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर, ड्राइवर इधर आओ। कंडीशनर साहब देखिए जरा इससे आप पूछिए तो कितना है सब पैसा, कहाँ कहाँ देते सर? वहाँ रेलवे स्टेशन पे 100 नंबर लेती है 200। कौन? 100 नंबर लेती है 200। रेलवे स्टेशन के सामने जब घुसते हैं इस रोड में आने के लिए वहाँ पे तुम्हारा चल रहा है। हाँ आप कहाँ के हैं? हम तो बोलिए सर, अगर हमारा पर्न प्रॉपर करना है इधर आते हैं तो अपना ये कचरा जा सकते हैं ना, महावीर घाट मंदिर के सामने वहाँ पे सिपाही लेते हैं, वहाँ से वर्कशॉप करते हैं, वहाँ 2000 लेते हैं, वहाँ वर्कशॉप करते हैं, यहाँ तो ये लोग छोड़ते हैं, यहाँ से निकलते हैं तो उधर लगता है, उधर भी निकलते हैं। पूरी चौकी वो होगी,
पूरा थाना एक कांस्टेबल, मैं पहले थाने पर गया, अच्छा थाना मैं देख करके आया, बाहर से एक कोई थाने पर नहीं है, जो बाहर रक्षक भी लगते हैं ना, एक कोई थाने पर नहीं था। किसी को बिल्कुल नहीं छोड़ा जाएगा, एसएसपी साहब से बात हुई है, उनका तुरंत दीजिए, अभी सस्पेंड कर एकदम किसी कीमत पर, हम लोगों का आप पर विश्वास है। जी जी, कप्तान साहब से बात हुई है। जी जी, लेकिन मैं निमंत्रण छोड़ के भी आया कि आखिर मैं अपनी आंखों से मैं देखूं, जैसे हम लोग आए अपराधियों की तरह के मुंह बांधे बैठे, जैसे गाड़ी हमारी रुकी भगे सब, एक दो मोटरसाइकिल तो लेके भगे, एक ये गिर गए, गिर गया होगा इसलिए उधर हेलमेट गिर गया किसी का, बोतल पानी सब आप देख ही रहे हैं, पूरा थाना खाली है। हाँ बिल्कुल, केवल जो एकदम आप कड़ाई करिए। रात में सूचना प्राप्त हुई कि जनेश्वर मिश्रा पुल पर कुछ पुलिस वालों द्वारा कुछ वाहनों को रोका गया है और आसपास के लोगों से अभद्रता की जा रही है। इस सूचना पर तत्काल इंस्पेक्टर दुबरण, इंस्पेक्टर कोतवाली, सीओ सिटी और मैं स्वयं मौके पर हम लोग गए और वहां पर तीन मोटरसाइकिलें प्राप्त हुई जिन्हें ये बताया गया कि ये पुलिसकर्मियों की हैं। एक आरक्षी वहाँ मौके पर मिला जिसका नाम राजू भारद्वाज थाना दुबाण का था। पूछताछ की गई, जानकारी की गई तो वहाँ उपस्थित जनता के लोगों द्वारा यह बताया गया कि इनके द्वारा अनावश्यक वाहनों को रोका जा रहा है और उनको परेशान किया जा रहा है और इस संबंध में तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया और उनके निर्देश पर तुरंत जाकर जाँच की गई तो ये जानकारी हुई कि इनकी वहाँ पर ड्यूटी नहीं लगी हुई थी और उन मोटरसाइकिलों के जो ओनर हैं, जो मालिक हैं, उनके संबंध में जानकारी की गई तो इसमें ये पता चला कि एक राजू भारद्वाज नाम की सिपाही की है, एक मुलायम कुमार नाम का आरक्षी है और एक होमगार्ड लेके गया था। दोनों आरक्षियों को पुलिस अधीक्षक बलिया महोदय द्वारा निलंबित कर दिया गया है। होमगार्ड के विरुद्ध कार्रवाई के लिए होमगार्ड कमांडेंट को पत्र लिख दिया गया है और इस पूरे प्रकरण में जो भी हल्का इंचार्ज सब इंस्पेक्टर हैं और प्रभारी निरीक्षक दुबरण, इन सब की भूमिका की जांच के लिए प्रारंभिक जांच के आदेश कर दिए गए। किस तरह के वाहन थे, किस तरह के वाहनों को रोका जा रहा था? जनेश्वर मिश्रा सेतु बन गया है किंतु अभी अप्रोच रोड नहीं बनी है, कच्ची सड़क है और इधर से खाली ट्रकें जाती हैं। ट्रकें नीचे की तरफ से आ रही थी घाट की तरफ से और रास्ता बहुत टूटा फूटा है, गाड़ियों के पलटने की भी संभावना है, फिर भी गाड़ियां जाती हैं तो उनका आरोप है कि इनको यहां जाने नहीं दिया जा रहा है, इस प्रकार परेशान किया जा रहा है। संवारे अपना भविष्य इंदु प्रकाश फार्मेसी के साथ, डी फार्मा और बी फार्मा करके। इंदु प्रकाश फार्मेसी एट हल्दरपुर मऊ और साई कॉलेज ऑफ फार्मेसी से एलोपैथिक में डी फार्मा करें। विजिट साई कॉलेज ऑफ फार्मेसी सिकटिया, रोज गार्डन के सामने मऊ। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए घंटी बटन दबाएं।